सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानातुल आर्ट्स। तो आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं लॉर्ड कृष्णा एंड यशोदा मैया की एक ब्यूटीफुल ड्राइंग। और मैंने इसमें पेंसिल कलर का यूज़ किया है, फेबर कैसल के 48 शेड्स मैंने परचेज़ किए थे, उसका यूज़ मैंने किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलर पेंसिल में किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कहाँ पर पेंसिल को किस वॉल्यूम में चलाना होता है, कहाँ पे शेडिंग कैसे करनी होती है, आउटलाइन कैसे करनी होती है, लेयर कैसे चढ़ानी होती है, इन सारी बहुत सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है। ये वीडियो मैंने जन्माष्टमी के टाइम पे बनाई थी, तो वीडियो तो बना ली थी, ड्राइंग भी बना ली थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था, कुछ तो ज़्यादा ही लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। अब मेरा तो कोई एक सेटअप, प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहीं रूम पे इस वीडियो को बनाया है, कहीं पे स्कूल में जाके इस वीडियो को शूट किया है, कभी बाहर, कभी छत पे इस वीडियो को शूट किया है। तो ये प्रॉपर स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी आपको, इसकी आउटलाइन मैंने पहले ही बना रखी थी, उसके बाद मैंने इसमें कलर पेंसिल स्टार्ट किया है, तब से आपको इस वीडियो को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आउटलाइन बनाई, उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसमें एक लेयर स्टार्ट की। जैसे मैंने फेस पे कृष्णा, गॉड कृष्णा के फेस में और यशोदा मैया के फेस में मैंने फर्स्ट लेयर अप्लाई कर दी है। अब मैं यशोदा मैया के लिप्स में देखो मैंने क्या किया है, पहले एक लेयर अप्लाई की, इसके बाद अब मैं इसके बाद सेकेंड लेयर इसमें अप्लाई करूँगा। देखो सेकेंड लेयर अप्लाई करूँगा। तो ड्राइंग में भी कलर पेंसिल का जब यूज़ करते हैं तब लेयर वाइज लेयर, कलर पेंसिल छोड़ो, आप अगर ग्रेफाइट की ओर भी जाते हो तो आप लेयर वाइज लेयर इसमें जाना होता है। तो जैसे कि आप इनके पल्लू में देखो, पिंक कलर का पल्लू है, तो मैंने एक फर्स्ट लेयर मैंने पहले अप्लाई कर दिया था। अब मैं यहाँ पे एक सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। तो सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा डार्क है वहाँ पे अब थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऑब्टेन होने लग गई है। तो और जो पेंसिल है ना, काफ़ी प्रेशर से अप्लाई नहीं करनी होती है, कलर पेंसिल को यूज़ करते हुए प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल नहीं करना होता है, बिल्कुल हल्के हल्के से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से इनको सेट करना होता है। और मैंने यहाँ ज्वेलरी के लिए येलो पेंसिल का यूज़ किया है। येलो पेंसिल में भी जो डार्क पोर्शन है वहाँ पे मैंने ब्लैक पेंसिल का भी यूज़ किया है, ब्राउन का भी यूज़ किया है, और जगह जगह पे जो रेड पेंसिल है, रेड कलर का है, उसका भी यूज़ किया है। एक तो इसमें इतने सारे शेड्स हैं, शेड्स को ढूंढने में ही काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो अब मैं इनके कलर, इनका जो बाल हैं, बाल को मैं शेड दे रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पे जो ब्लैंक, जो जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स है ना, तो वहाँ पे मैं स्पेस को छोड़ते जा रहा हूँ, वहाँ का जो कलर है उस जगह को मैं छोड़ते जा रहा हूँ, जिससे बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छे से सामने आ जाए। तो मैं इस वीडियो में काफ़ी स्पीड मैंने इसकी इंक्रीज की है, जिससे कि आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी बोरिंग ना लगे। तो अभी देखो लिप्स बनाने के लिए मैंने दो टाइप्स के शेड का यूज़ किया है। अब आने वाले टाइम पे जब मैं इसमें फाइनल टचिंग दूंगा तो इसमें और भी कलर इसमें यूज़ होंगे, लाइक ब्लैक कलर या ब्राउन कलर इसमें यूज़ होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। तो फाइनल टचिंग में भी यही किया जाता है, जिस उसको थोड़ा सा और डार्क किया जाता है, और अच्छा सुंदर बनाने के लिए उसको जितना भी तुम डार्क वैल्यू करोगे उतना भी वो वीडियो तुम्हें और अच्छी ही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं चेहरे को कितना सुंदर सा लुक मिल चुका है। अब आगे हम जिस लेयर की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से पहले थोड़ा सा हल्का शेड था, अब थोड़ा सा और डार्क किया जा रहा है, तो जिससे कि उसका जो
आउटकम्स है वो और भी अच्छा निखर कर आ रहा है सामने। पहले मैंने यहाँ पर येलो कलर यूज़ किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ करते हुए जो शैडो है ना, शैडो को देने का ट्राई किया है। तो शैडो को देने का मतलब ये होता है कि वो एक अच्छा सा टेक्सचर निकल के आ जाता है कपड़ों में, अच्छा सा टेक्सचर निकल के आ जाता है और एक हमें डेप्थ देखने को मिलती है कि जहाँ पर वहाँ पे डार्क होगा तो वो डार्क वैल्यू हमें वहाँ पे मिल जाएगी। इवन हमें फ़ोटो में ऑब्जर्व करके देखना है कि डार्क वैल्यू को कैसे कैसे दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है, ऑरेंज कलर का यूज़ किया है और एक थोड़ा सा ब्राउन शेड में एक और कलर का भी यूज़ किया है, जिससे कि उसको जो डेप्थ है उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सके। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को मैं आपके लिए लेके आया करूँगा। पेंसिल कलर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें प्रेशर का बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से पूरे जहाँ जहाँ पे तुम्हें शेडिंग चाहिए वहाँ पे अप्लाई कर देना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है atul.rana.o। आप राना अतुल सर्च करेंगे फिर भी आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आपको मेरे द्वारा बताई गई कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है और इससे आपकी भी ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आपने अगर इस वीडियो को इन्जॉय किया है तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।